लेकिन अगर आपको है ना ब्लोटिंग फील, ब्लोटिंग की फीलनेस हो रही है, इंडाइजेशन की फीलनेस हो रही है, आई मीन और ये ऑलमोस्ट 7 दिन में से 3-4 दिन आपको ऐसा लगता है, तो दैट डजंट मीन कि आपको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले लेना चाहिए, राइट? कुछ दूसरे इश्यूज हो सकते हैं जो आप पहले फिक्स करो, आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को फिक्स करो, स्लीपिंग हैबिट्स को फिक्स करो, हेल्दी ईटिंग हैबिट फॉलो करो, यू नो इनफ वाटर पियो, राइट? सो बहुत सारे फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स को पहले अपनी लाइफस्टाइल को पहले सुधारो और देखो कि वो हेल्प कर रहा है कि नहीं टू इम्प्रूव योर डाइजेस्टिव हेल्थ, राइट? और फिर भी अगर नहीं हेल्प हो रही है तो देन यू कैन गो फॉर एंड ट्राई एनी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के मेरे वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑन प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का जो मार्केट है ना इंडिया में वो, आई मीन प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स का जो मार्केट है इंडिया में वो, आई मीन इट्स ग्रोइंग और काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि जब भी उनको ब्लोटिंग फीलनेस होता है, ब्लोटिंग होता है या एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो उनको लगता है ओके चलो एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट यू नो ले लेते हैं और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। प्लस मैंने यू नो ऑलरेडी अपने चैनल पे प्रोबायोटिक्स के ऊपर आई थिंक 1 या 2 साल पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने यू नो 2 सप्लीमेंट्स, प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट्स रेकमेंड किए थे। ऑफकोर्स आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें सारी डिटेल्स मैंने यू नो एक्सप्लेन की है। और ऑफकोर्स आई थिंक एक ब्रांड का मैंने स्टेबिलिटी रिपोर्ट या जो भी लैब रिपोर्ट वगैरह है वो उस वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है, तो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हो, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वो वीडियो से भी मिलेगी आपको। इस वीडियो में मेरा फोकस रहेगा टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स, फिर आप कौन से सिम्टम्स के लिए कौन से स्ट्रेन्स यू नो हेल्प कर सकते हैं, करेंगे ही, आई एम नॉट सेइंग कि करेंगे ही बट कर सकते हैं। फिर एक स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आप अपना सकते हो आपके यू नो आपके सिम्टम्स को ठीक करने के लिए। और ऑफ कोर्स मैं यू नो अपार्ट फ्रॉम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स मैं डेफिनेटली फोकस करने वाला हूँ ऑन फूड्स विच आर रिच इन प्रोबायोटिक्स, और आप अपना प्रोबायोटिक ड्रिंक जो है वो कैसे घर पे बना सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड है, मैं बहुत बार यू नो ये ड्रिंक बनाता हूँ घर पे, बट ऑफकोर्स एक कंट्रोल एनवायरमेंट होना चाहिए वो प्रोबायोटिक ड्रिंक बनाने के लिए, जो पॉसिबल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, आपको यू नो जरा बट यू नो टेक केयर करना पड़ेगा। और मैं जो प्रोबायोटिक रिच फूड शेयर करने वाला हूँ उसमें मैंने बाइफर्केशन किया हुआ है डेयरी एंड नॉन डेयरी में, बिकॉज आई नो देर आर फ्यू पीपल हु वॉन्ट्स टू अवॉइड डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। तो बेसिकली वीडियो का मकसद है कि हमें प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स अगर लेना है तो कब लेना चाहिए, क्या यू नो क्या सारे फैक्टर्स है इन्वॉल्व्ड, यू नो जिनको समझना इम्पॉर्टेंट है बिफोर यू नो यू मेक अ डिसीजन टू स्टार्ट टेकिंग अ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट। क्योंकि यू नो मुझे लगा ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो बनाया उसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स जो मुझे आ रहे हैं उसमें मुझे वो पढ़ के मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले लिया तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो इसके लिए ये वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ज्ञान देने वाला हूँ, ऑफकोर्स टाइम स्टैम्प मैंने इंक्लूड किया है, आप स्किप कर सकते हो बट आई विल रेकमेंड कि आप सुन लो मेरी बातें, आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो टू स्टार्ट विद दोस्तों याद रखिए जो गट हेल्थ है, राइट, गट हेल्थ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलन और गट अगर अच्छे हेल्थ में है तो यू नो आपकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि 75% ऑफ द इम्यूनिटी जो है डिपेंड्स ऑन योर अराउंड 75% डिपेंड्स ऑन योर गट हेल्थ। तो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, कोलन हेल्थ अच्छी है, तो काफ़ी सारे डिजीजेज आप यू नो वैसे ही दूर रख सकते हो। इवन यू नो खतरनाक बीमारियां जैसे कैंसर जो है उसको भी आप दूर रख सकते हो अगर आप अपने गट हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। तो बेसिकली आपके इम्यूनिटी को यू नो बूस्ट अप रखेगा अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो, जिसके वजह से खतरनाक बीमारियां जैसे कैंसर तक भी से आप यू नो प्रोटेक्टेड रह सकते हो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो, विच डिपेंड्स ऑन योर गट हेल्थ। तो दोस्तों एवरीवन नीड्स प्रोबायोटिक, हमें दही कर्ड योगर्ट से मिल सकता है, पिकल से, वेजिटेबल से उससे मिल सकता है, फर्मेंटेड फूड से, इडली डोसा से भी मिल सकता है, एंड ऑफकोर्स वी हैव प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स जो आजकल शायद यू नो बहुत लोग कंज्यूम कर रहे हैं। बट आई फील प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स आर बिट ओवर रेटेड, आई एम नॉट सेइंग कि यू नो दे विल नॉट हेल्प यू, दे वोंट वर्क, बट क्वेश्चन है कि क्या हमें प्रोबायोटिक सप्लीमेंट की ज़रूरत है।
अगर है तो कब है, कितने देर के लिए है, राइट? सो बहुत सारे क्वेश्चंस है एंड इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राइट? आई मीन देयर इज नो वन आंसर दैट फिट्स यू नो ऑल द क्वेश्चंस, राइट? सो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है और इसे ठीक से समझना पड़ेगा। तो हमारे गट में दोस्तों वी हैव गुड माइक्रोब्स, बैड माइक्रोब्स, गुड एंड बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं, ठीक है? हमें इंश्योर करना है कि इनका जो रेशियो है बेसिकली वो हेल्दी रहे, यानी गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होने चाहिए, बैड बैक्टीरियाज कम होने चाहिए। अगर ये रेशियो हेल्दी रेशियो है तो आप बहुत सारे डिजीज से बच सकते हो, ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज यू नो जस्ट लाइक हाउ ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का जो रेशियो है, राइट, जिसमें ओमेगा 9 हमें इजीली मिल जाता है, रेशियो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 3, राइट? आई मीन दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, सॉरी फॉर डाइवर्टिंग। बट द प्रॉब्लम इज जो गुड बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने के लिए जो फूड हमें खाने चाहिए वो हम नहीं खा रहे हैं, और जो बैड बैक्टीरियाज है उनको ग्रो करने के लिए जो फूड चाहिए, राइट, वो हम खा रहे हैं। हम जंक फूड खा रहे हैं, शुगरी फूड खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, बेसिकली ऑल द अनहेल्दी स्टफ दैट वी आर ईटिंग इज यू नो लाइक बेसिकली वो जो बैड बैक्टीरियाज है वो उनको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। और अगर हमारे गट में बैड बैक्टीरियाज है तो बैड बैक्टीरियाज जो है वो जो यू नो वो क्रेव करते हैं फॉर शुगरी फूड, फॉर जंक फूड, फॉर यू नो अनहेल्दी फूड बेसिकली। तो हमारी बॉडी क्रेव नहीं करती, वो बैड बैक्टीरियाज एक्चुअली यू नो क्रेव करते हैं और फिर हम वो जंक फूड, शुगरी फूड वगैरह यू नो खा जाते हैं। याद रखो दोस्तों, हम कभी हेल्दी फूड के लिए, फॉर एग्जाम्पल बनाना हो या एप्पल हो, इसके लिए हमें कभी क्रेविंग नहीं होती, हमें अनहेल्दी फूड के लिए ही क्रेविंग होती है। तो बेसिकली वो हमारे बैड बैक्टीरियाज है जो क्रेव कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपको एक क्विक एक्सपेरिमेंट करना है तो फॉर 1 वीक आप अनहेल्दी फूड खाना बंद कीजिए, नो शुगरी फूड, नो प्रोसेस फूड, घर का बना हुआ फूड खाइए, देखिए आपका गट कैसे इम्प्रूव होता है, रेशियो जो है गुड और बैड बैक्टीरिया का वो इम्प्रूव होगा, आपको यू नो अंदर से फील आएगी यू नो समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग गुड इज हैपनिंग। क्योंकि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप बैड बैक्टीरियाज को उनका जो फूड है वो नहीं दे रहे हो, तो गुड और बैड बैक्टीरिया का रेशियो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। एंड ऑफकोर्स आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी चाहिए जो हमें वेजिटेबल से मिलेंगे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो होनी चाहिए क्योंकि उसमें से हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं। और उसी के साथ हमें प्रीबायोटिक भी चाहिए दोस्तों, सिर्फ प्रोबायोटिक से फायदा नहीं है, प्रीबायोटिक यानी बेसिकली ऐसे फूड दैट बेसिकली प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरियाज, बेसिकली वो फूड है फॉर गुड बैक्टीरियाज, तो वो भी हमें चाहिए। और उसके लिए आपको यू नो फूड्स खाने पड़ेंगे, जैसे बनाना है, गार्लिक है, ऑनियंस है, होल ग्रेन्स है। गोइंग बैक टू डाइजेस्टिव एंजाइम जिसकी मैंने अभी बात की, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके फूड को अच्छे से ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। फूड ब्रेक होगा अच्छे से तभी अब्जॉर्ब होगा यानी आपके सेल्स तक जाएगा, एंड अल्टीमेटली वो सारे न्यूट्रिएंट्स जब आपके सेल्स तक पहुंचेंगे तभी आपको पूरा बेनिफिट उस फूड से मिलने वाला है। सो दैट इज़ द एंड गोल, रिमेंबर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होने चाहिए, दोनों चीज़ें डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड प्रोबायोटिक्स, अलग ही डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड ऑफकोर्स आपका जो फूड है वो आपको अच्छे से च्यू करना है। अगर आपको फ्रिक्वेंटली यू नो इनडाइजेशन, गैस या ब्लोटिंग की दिक्कत हो रही है, राइट, फ्रिक्वेंटली यानी हर दिन बेसिकली, या बोल लो आपने कुछ भी खा लिया, सिंपल कार्ब्स या सिंपल चीज़ें जो इजी टू डाइजेस्ट है, फिर भी आपको इनडाइजेशन वगैरह हो रहा है, दैट मीन्स इनफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बन रहे आपके बॉडी में, कोई प्रॉब्लम है जो आपको यू नो डायग्नोस करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, आपको स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस एक सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों जिसकी वजह से नींद नहीं आती, नींद नहीं आएगी ठीक से दोस्तों, तो हार्मोनल इम्बेलेंस होगा और यू नो ये जो सारी दिक्कतें हैं, राइट, डाइजेस्टिव इश्यूज या जो दूसरे इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज, ये सारे लिंक्ड है टू अवर स्लीपिंग क्वालिटी। तो बेसिकली दोस्तों ये जो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट है वो शायद सबके लिए नहीं है क्योंकि हमारे गट माइक्रोफ्लोरा में यू नो जस्ट इमेजिन हमारे गट माइक्रोफ्लोरा में देर आर ऑलरेडी ट्रिलियंस ऑफ यू नो प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स, और हम जब भी कोई प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसमें बिलियंस ऑफ प्रोबायोटिक CFUs यू नो है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स है, राइट, तो हम ट्रिलियंस में वो बिलियंस को ऐड कर रहे हैं थ्रू सप्लीमेंट्स, एंड वी डोंट नो कि यू नो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी यू नो वो जब हम वो सप्लीमेंट ले रहे हैं तो, राइट, अभी आप बेसिकली यू नो हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं हम जो नेचुरल बॉडी की जो इंटेलिजेंस है यू नो उसको ठीक से काम करने नहीं दे रहे हैं।
तो बेसिकली आपको प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत तभी है जब भी आपको कोई यू नो सिम्टम्स है, तो यानी अगर आपको IBS की प्रॉब्लम है, तो अगर आपको डायरिया है, तो शायद आपको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आपको यू नो ब्लोटिंग की फिलनेस हो रही है, इंडाइजेशन की फिलनेस हो रही है, और ये ऑलमोस्ट 7 दिन में से 3-4 दिन आपको ऐसा लगता है, तो दैट डजेंट मीन कि आपको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले लेना चाहिए, राइट? कुछ दूसरे इश्यूज हो सकते हैं जो आप पहले फिक्स करो। आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को फिक्स करो, स्लीपिंग हैबिट्स को फिक्स करो, हेल्दी ईटिंग हैबिट फॉलो करो, यू नो इनफ वाटर पियो, राइट? सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को पहले अपनी लाइफस्टाइल को पहले सुधारो और देखो कि वो हेल्प कर रहा है कि नहीं टू इम्प्रूव योर डाइजेस्टिव हेल्थ, राइट? और फिर भी अगर नहीं हेल्प हो रही है, तो देन यू कैन गो फॉर एंड ट्राई एनी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट। तो बेसिकली आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, आपको आपके सिम्टम्स के ऊपर डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा प्रोबायोटिक लेना है और रादर कौन सा प्रोबायोटिक स्ट्रेन आपको हेल्प कर सकता है। मैंने जो प्रोबायोटिक्स के ऊपर फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें जो भी कमेंट्स मुझे आए हैं, मैंने हर एक को पूछा है कि आपका सिम्टम्स क्या है, वो सिम्टम्स के ऊपर मैंने यू नो कुछ स्ट्रेन्स रिकमेंड किए हुए हैं, ठीक है? तो आपको भी आपके सिम्टम्स समझने हैं, उसके ऊपर से स्ट्रेन्स डिसाइड कीजिए और उसके ऊपर से प्रोबायोटिक सप्लीमेंट डिसाइड कीजिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी सीरियस है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना पड़ेगा। पर्सनली विजिट अ डॉक्टर और कंसल्ट कीजिए, जस्ट डोंट गो बाय यू नो द रिकमेंडेशंस ऑन एनी यूट्यूब वीडियो, इवन माई, ठीक है? अगर आपकी प्रॉब्लम सीरियस है तो, अगर मे बी आपको जस्ट यू नो रिसेंटली कुछ इशूज, डाइजेस्टिव इशूज चालू हुए हैं, तो मे बी आप ट्राई आउट कर सकते हो टेकिंग प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स, और अगर वो भी उससे भी आपको हेल्प नहीं मिली, तो डेफिनेटली डू कंसल्ट ए डॉक्टर। कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे, यू नो डोंट ट्राई टू सेल्फ डायग्नोस फर्स्ट एंड डोंट ट्राई टू सेल्फ ट्रीट योर सेल्फ। ये इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को लीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए। आपको जब आप डॉक्टर से बात करोगे, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन लेके, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, वो इन्फॉर्मेशन लेके आप जब डॉक्टर से बात करोगे, तो आपको अच्छे से आपका जो इशू है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है? डॉक्टर को क्वेश्चंस ज़रूर पूछे, सिर्फ दवाइयाँ लेके मत आइए, क्वेश्चन पूछे, अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपके बॉडी में, क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकता है, वो समझिए। वो कारण को फिक्स करना करोगे तो ही आपका इशू सॉल्व होगा। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हम एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं फॉर अगर हमको कुछ दिक्कत है तो, प्रॉब्लम है, तो वो एंटीबायोटिक्स जो है वो ऑफकोर्स रिकोगनाइज नहीं कर पाता है कि कौन से गुड एंड कौन से बैड बैक्टीरियाज है, वो हमारे गुड बैक्टीरियाज को भी काइंड ऑफ किल कर देता है। तो उस केस में भी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट जो है वो हमें हेल्प कर सकता है, बट अगेन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, हमें सिचुएशन के हिसाब से यू नो डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिम्टम्स और वो सिम्टम्स में आपको कौन से प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स हेल्प कर सकते हैं, वो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो अभी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप रेफर कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हैज़ कंसिस्टेंटली आपको वो प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स लोगे, ड्यूरेशन ऑल्सो मैटर्स एंड इट डिपेंड्स अपॉन सिम्टम्स टू सिम्टम्स, वो सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अगेन दिस इज जस्ट अ जनरल गाइडेंस, ठीक है? आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है ये इन्फॉर्मेशन लेके, तो बेसिकली आपको कितने समय तक लेना है, राइट? इट कैन बी फ्यू वीक्स टू कपल ऑफ मंथ्स एज वेल, आपके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड होता है, फिर कंसिस्टेंटली आपको रहना है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किए हुए हैं, जरूर चेकअप करना। तो दोस्तों, अभी मैं एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करता हूँ जो आप ट्राई कर सकते हो। स्ट्रैटेजी जो है वो बेसिकली मैं एक होलिस्टिक अप्रोच आपको बताने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म अप्रोच आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आप क्या करोगे, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है तो आपको उस सिम्टम्स के हिसाब से स्ट्रेन सिलेक्ट करना है, स्ट्रेन सिलेक्ट करने के बाद में उसके ऊपर से आपको आपका प्रोबायोटिक सप्लीमेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है? जिसमें वो स्ट्रेन हो। ऑफकोर्स मार्केट में बहुत सारे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, प्रॉब्लम इज काफ़ी सारे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स में देर आर आर्टिफिशियल फिलर्स ऑन एडिटिव्स, राइट? तो मैं हमेशा आप सब लोगों से यही कहता हूँ कि आर्टिफिशियल फिलर्स और एडिटिव्स नहीं हो तो बेटर, या जितने कम हो उतने बेटर। एक या दो आर्टिफिशियल फिलर, जैसे एंटी एकिंग एजेंट, एंटी स्टिकिंग एजेंट या जो भी है, ठीक है, एक या दो फिलर इज ओके, बिकॉज हम लोग प्रोबायोटिक सप्लीमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो इट वुड नॉट कॉज एनी मेजर साइड इफेक्ट्स फॉर अस, ठीक है? तो एक या दो मंथ्स के लिए आप कंज्यूम कीजिए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट, देखिए कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं।
ऑफकोर्स होना चाहिए अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, तो उस टाइम पे जब आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हो तभी आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी फॉलो करने हैं. कट डाउन योर जंक फूड, कट डाउन योर शुगरी फूड्स, एक हेल्दी ईटिंग हैबिट फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज कीजिए घर पे, ठीक है, तो ही आपको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट का बेनिफिट मिलेगा. आफ्टर वन और टू मंथ्स जब आप इंप्रूवमेंट्स फील कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद में आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट स्टॉप कीजिए. आपको फूड के थ्रू कंटिन्यू करना है प्रोबायोटिक्स लेना, ठीक है. मैं आपके साथ फूड शेयर करूँगा, तो वो फूड्स आप कंटिन्यू कीजिए लेना. नो वंस योर डाइजेस्टिव इश्यूज आर फिक्स्ड, आई थिंक यू कैन कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर फूड. जो फूड्स है वो ऑफकोर्स आपको अभी से ही आज से ही स्टार्ट करने हैं. यू हैव टू मेक पार्ट ऑफ योर हेल्दी लाइफ स्टाइल. तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, लॉन्ग टर्म अप्रोच है, आपको हेल्प कर सकता है. एंड आई पर्सनली फील अगर आपको आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज, गट हेल्थ वगैरह इंप्रूव करनी है ना, तो कभी कभार फास्टिंग भी करना चाहिए. हर एक रिलीजन में फास्टिंग करते हैं पीपल. आई फील करंटली जो फास्टिंग करते हैं लोग वो रॉन्ग वे से करते हैं. लोगों को समझना चाहिए कि ट्रेडिशनली हम फास्टिंग क्यों करते थे, क्या रीज़न था, कैसे करते थे, उसके बाद फास्टिंग कीजिए. बट फास्टिंग जो है इट्स द अल्टीमेट हीलर, ओके. आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, काफ़ी सारे डिजीजेस को दूर रखने में हेल्प कर सकता है. ठीक से फास्टिंग कीजिए. तो फूड्स की अगर बात करूँ विच आर प्रोबायोटिक रिच, जो आपको इंक्लूड करने हैं आज से आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में, वो है डेयरी बेस्ड ऑप्शंस में आपको दही, योगर्ट इंक्लूड करना है, लस्सी आप ले सकते हो, छाछ है जो आप इंक्लूड कर सकते हो. ये जो मैंने ऑप्शंस बताए दोस्तों, ये मिल्क बेस्ड है, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स अगर आप दही, छाछ वगैरह जो भी है वो घर पे बनाओगे, होममेड हो तो बेटर. बाहर का जो होता है, आई एम नॉट सेइंग कि उसमें प्रोबायोटिक्स नहीं मिलेंगे एंड ऑल दैट, बट द क्वालिटी मैटर्स. घर पे बनाओगे बेटर ऑप्शन है, ट्राइड इजी है, ट्रेडिशनल मेथड्स है, घर पे लोग बनाते हैं, कोई टाइम कंज्यूमिंग टास्क नहीं है. जरा टाइम निकालिए अपने हेल्थ के लिए, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. और नॉन डेयरी ऑप्शंस में आप इडली कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि जो बैटर होता है वो फर्मेंट किया जाता है, ठीक है. फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है उससे गुड बैक्टीरियाज क्रिएट होते हैं. तो इडली है, डोसा है, वो आप कंज्यूम कर सकते हो. और आप एक फर्मेंटेड ड्रिंक भी बना सकते हो जिसे ट्रेडिशनली कांजी बोला जाता है, जिसके अंदर बीट रूट है, मस्टर्ड सीड का इस्तेमाल होता है और ज़रा सा सॉल्ट ऐड कर दिया, आप कांजी बना सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने स्टेप्स दे दिए हैं, चेकआउट करना. आप स्क्रीन पे भी आपको स्टेप्स दिख रहे होंगे, वो स्टेप्स फॉलो कीजिए और आप घर पर ही कांजी बना सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट प्रोबायोटिक ड्रिंक जो आप कंज्यूम कर सकते हो. और जैसे मैंने कहा, ये जो कांजी है वो बनाने के लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट, हाइजीनिक एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है, बेटर है. तो अगर आप वो घर पे नहीं बना पा रहे हो फॉर सम रीज़न, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कुछ ब्रांड्स है जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि वो ब्रांड्स के जो कमर्शियली प्रिपेयर्ड कांजी है, राइट, वो भी आप ट्राई आउट कर सकते हो. अभी बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि मैंने स्ट्रेन्स के ऊपर काफ़ी बात की, तो जो फूड्स है जैसे दही है, इडली, डोसा है, उसमें से कौन से प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स मिलने वाले हैं. तो मैं बोलूँगा दोस्तों, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज से हमें प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं, हम कोई कैप्सूल में प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है. फिर भी मैं आपको एक जनरल आइडिया दूंगा कि कौन से फूड में कौन से स्ट्रेन्स, प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स हो सकते हैं. तो दही, योगर्ट से हमें लैक्टोबैसिलस ये स्ट्रेन मिलता है, प्लस एक दो और स्ट्रेन है. लस्सी से भी हमें लैक्टोबैसिलस ये स्ट्रेन मिलता है और एक दो और स्ट्रेन है. वैसे सिमिलरली छाछ भी एक मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट ही है, तो उसमें से भी हमें लैक्टोबैसिलस और एक दो स्ट्रेन मिलते हैं. और नॉन डेयरी जो मैंने फूड्स बताए, जैसे इडली, डोसा है, कांजी है, उसमें भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको ये जो प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स है वो मिल सकते हैं. तो बेसिकली हमें फोकस करना है टू ईट हेल्दी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है. फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, ये सब इंक्लूड करने हैं हमारे लाइफस्टाइल में. बेसिक एक्सरसाइज करनी है. स्लीपिंग क्वालिटी जो है वो भी मैटर करती है, बट हर किसी को 8 आवर्स की स्लीप शायद नहीं मिल सकती, बिकॉज काम है और ट्रैवलिंग करना है एंड व्हाटएवर, राइट. बट द क्वालिटी ऑफ स्लीप पे फोकस कीजिए. अगर आप 5 घंटा 6 घंटा भी सो पा रहे हो, क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने का ट्राई कीजिए. मेडिटेशंस वगैरह कर सकते हो आप टू इम्प्रूव योर स्लीपिंग क्वालिटी. वो एक सेपरेट टॉपिक है, मैं शायद एक वीडियो बना लूँगा उसके ऊपर.
बात स्लीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने का ट्राई कीजिए। तो अगर मैं कुछ सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो ऑफकोर्स आई विल रेकमेंड यूनिवेड फ्लोरा, जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आप दूसरे भी ब्रांड्स हैं जो ट्राई कर सकते हो, जो आप अभी स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा। और हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमें प्रोबायोटिक स्ट्रेन अच्छे से सिलेक्ट करना है, एंड ऑफकोर्स वो प्रोबायोटिक स्ट्रेन जो हमें चाहिए उसकी क्वान्टिटी जो है वो भी यू नो इनफ होनी चाहिए। तो बेसिकली जनरल डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए यू नो अराउंड 10 टू 20 बिलियन CFUs पर डे एक कॉमनली रिकमेंडेड डोसेज है। CFU यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। और अगर आप कोई स्पेसिफिक यू नो हेल्थ कंडीशन के लिए ले रहे हो तो डोसेज जो है उसके हिसाब से यू नो इंक्रीज हो सकता है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने वीडियो में शेयर की है दोस्तों। आई विल रिकमेंड कि अगर आपको कोई सच्ची में सीरियस इशू है, सीरियस डाइजेस्टिव इशू है, लॉन्ग लंबे समय से कोई डाइजेस्टिव इशू है, तो डेफिनेटली सारी इन्फॉर्मेशन को समझिए जितना समझ पाते हो उतना, और फिर डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। पर्सनली आपके कंडीशन पर्सनली विजिट कीजिए, पर्सनली शेयर कीजिए यू नो आपका जो भी स्टोरी है वो डॉक्टर के साथ में, और समझिए, समझने का ट्राई कीजिए। डॉक्टर से सिर्फ दवाइयाँ मत लेके आइए, आपका कंडीशन समझिए और उसको इम्प्रूव करने का ट्राई कीजिए। और अगर आपके पास मेरे लिए कुछ क्वेश्चन है, फीडबैक है, सजेशन है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करने का ज़रूर ट्राई करता हूँ, कभी कभार डिले हो जाता है, बट आई डू ट्राई। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और जैसे मैंने कहा डेफिनेटली डू रिमेंबर टू यू नो यूज़ द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो सून, एंड देन गुड बाय, टेक केयर, चेस, bye, and do some exercises at home regularly.